योगी आदित्यनाथ का आज लखनऊ में शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन सूत्रों की माने तो इस शपथ ग्रहण समारोह के बहाने बिहार के कई अहम मुद्दों पर फैसला हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस शपथ ग्रहण समारोह में अतिथि के रूप में बिहार को रिप्रेजेंट करेंगे। उनके साथ उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी मौजूद रहेंगी। वहीं इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद होंगे। ऐसे में जो बिहार में राजनीतिक गतिविधियां चल रही है उसका फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के बड़े नेता इस मौके पर करते दिखाई दे सकते हैं। माना जा रहा है कि पहला फैसला पशुपालन मंत्री और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को लेकर हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे ही लखनऊ पहुंचेंगे, उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ होनी तय है। इतने राजनेता एक साथ मिलेंगे और वो भी गठबंधन के दल के, तो उनमें जो बाधाएं हैं उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। सबसे बड़ी दुविधा मुकेश सहनी को लेकर है। मुकेश सहनी पर इस मौके पर फैसला हो सकता है। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों से एनडीए की एकता कई मुद्दों पर सवालों में रही है। ऐसे में एक कोशिश एनडीए को एकजुट दिखाने की भी होगी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री समेत अन्य नेता के अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी समारोह में शिरकत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब ये सारे नेता वहां पहुंच रहे हैं तो ये दिखाने की कोशिश होगी कि एनडीए में सब ठीक है, एनडीए मजबूत है। जेडीयू यूपी में बीजेपी के खिलाफ चुनाव जरूर लड़ी थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अब ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के साथ मजबूती से बने हुए हैं। आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है, ऐसे में क्या कुछ रणनीति होगी इस पर भी चर्चा संभव है। खासतौर पर मुकेश सहनी को लेकर फैसला होगा। दोनों दलों की तरफ से मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है, इसी बहाने मुकेश सहनी को ड्रॉप करने पर भी चर्चा होगी। तो खैर, फिलहाल तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे हैं। वहां पर कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री के साथ साथ अमित शाह और जेपी नड्डा से बातचीत भी करेंगे, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि मुकेश सहनी को लेकर इस मौके पर क्या कुछ फैसला एनडीए आलाकमान लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।